कल्पना कल्पना, ये न्यूज पढ़ी तुमने? सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने 8 फिल्म साइन किए। जिस तरह नसीरुद्दीन शाह का 8 फिल्मों पे से भरोसा उठ गया है ना, लगता है उसी तरह इन दोनों का कमर्शियल फिल्मों पे से भरोसा उठ गया। हाँ? क्या? मुझे बोल रहा हूँ, सुना नहीं तुमने, क्या सोच रही हो? यूं ही फालतू की बातें। फालतू की बातें? कितनी बार कहा है तुमसे कि अपने बारे में मत सोचा करो। प्रशांत, एक तो मुझे नींद नहीं आ रही है, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नींद नहीं आ रही है? वेरी सिंपल, टीवी ऑन कर दो, कोई हिंदी पिक्चर देख लो, अपने आप नींद आ जाएगी। सब देख चुकी हूँ। पिछले 4-5 दिनों से यही हाल है, नींद ही नहीं आती है, सारी फिल्में देख ली मैंने। प्रशांत, अजीब अजीब सपने आते हैं। अच्छा? गाने सुनाई पड़ते हैं नींद में, ऐसा लगता है जैसे यू नो 4-5 टीवी चैनल्स सब मिक्सअप हो गए हो। तो तुम्हारी समस्या मैं समझ सकता हूँ। एक काम करो, आंखें मूंद लो और भेड़ बकरियां गिनना शुरू करो। मतलब? शट अप, यानी आंखें मूंद के इमेजिन करो कि ढेर सारी भेड़ बकरियां एक नाला पार कर रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे क्या हुआ? वो बेचारी सातवीं भेड़ पानी में गिर गई। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। एक तो जब से ममता कुलकर्णी की टांग टूटी है, उसने मेरे सपनों में आना छोड़ दिया। और मनीषा का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो रात रात भर खुद जागती है डिस्को में, तो मेरे सपनों में कहाँ से आएगी। हम इंडियन मेल्स की कितनी लिमिटेड चॉइस रह गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूँ हवा के साथ साथ। वो देख, बेचारी के पास सोने के लिए शहर में जगह नहीं, इसलिए तो तकिया लिए चलते चलते सो रही है। पता नहीं इस देश में गरीबों का क्या होगा। हम लोग तो फिर भी किस्मत वाले हैं, अपने पास फुटपाथ पे सोने के लिए जगह तो है, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ, और माधुरी के पास मस्त है अपना जिंदगी। अरे उसके पैर में चप्पल भी नहीं है। चल सोते हैं। हाँ सो जा। कल्पना, तुम इतनी छोटी और मोटी कैसे हो गई? कल्पना, कल्पना, अरे ये तो डब्बू है। कल्पना कहाँ चली गई? कल्पना, 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 अरे यूं आधी रात गए मेरे साथ छुपा छुपी क्यों खेल रही हो? जरा सामने तो आओ, छलिए, छुप छुप छलिए में क्या राज है? यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की आवाज है, कल्पना। कल्पनाएं और रहती हैं, किसी एक ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ए, वो देख, एक औरत आ रही है रात को अकेले में। सीधा करो, सीधा खड़े रहो, शहर की मेयर हो सकती है, आधी रात को राउंड पे निकली है। क्या महान औरत है यार, भेष बदलने का चांस मिला तो भी इतने सिंपल कपड़े हैं, मेकअप भी नहीं, गहने भी नहीं। अरे ऐसी औरत तो दुनिया में मैंने पहली बार देखी है। दिख दिख दिख, पैरों में चप्पल तक नहीं है। नजर नहीं आ रही। क्या मम्मी हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई? ना मुन्ना ना,
आधी रात को ऐसी झूठी आशाएं नहीं देते। बाबा, आपने टेरेस पे देखा? टेरेस पे? आधी रात को तुम्हारी माँ टेरेस पे क्या पतंग उड़ाने जाएगी? नहीं नहीं पापा, जब भी वो मीना कुमारी की फिल्म देखती है ना, तो वो व्हाइट साड़ी पहनकर बाल खुले छोड़कर घूमती रहती है। मेरी पत्नी कल्पना यहाँ तो नहीं है। एक मिनट, बस मामा को पूछता। बस मामा, अयो प्रशांत जी, कैसा बंद बात कर देगी? रात को एक बजे कल्पना हमारे घर कैसा आएगा? नहीं आएगा, यह ग्रेट, यह ग्रेट। लेकिन क्या बताऊँ भाभी, कल्पना इज मिसिंग, उसका कोई पता नहीं चल रहा। अयो, हो गया? हाँ। अयो प्रशांत जी, तुम कल्पना को इस देर समय लगे अच्छी जगह नहीं रखा होगा। क्या बात करती है भाभी आप, मेरी पत्नी को भी और आपको मजाक सूझ रहा है? यो, अच्छी जगह बोले तो दिल में जगह बनाती नहीं रखा होगा, तो तुम जरूर उससे उल्टा सीधा बात किया होगा। वो रूट के चला गया, वो वापस नहीं आएगा। इस रात को सुबह नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो कम से कम कोई चिट्ठी वगैरह तो छोड़ के जाया। अयो, चिट्ठी का मतलब तकिए के नीचे छोड़ा होगा। तुम तकिए के नीचे चेक किए? लगता है वो तकिया भी साथ ले गई। तकिया नहीं मिला। अगर आधी रात को मेरे घर में पुलिस आई तो सारी सोसाइटी में मेरी इज्जत प्रभु देवा के नाम लेंगे। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या क्या अफवाहें बनाएंगे, क्या क्या अफवाहें बनाएंगे। तुम क्या समझ रही हो, मेरी शादी की वाटर बनी हुई है। तू इस महीने के 5 लाख का माल उठाएगा, अब मैं तुझे एडवांस दूंगा 50,000। पक्का उस घर पर क्या बात हो जाए। क्या कहाँ है तेरा माल निकाल? ले रहा हुआ है। कहाँ है? हुआ है ना। अबे चूना लगाता है क्या? चूना? डाला 5 लाख सोने के बिस्किट के बदले तू मेरे को ये तकिया देगा? तकिया? हाँ? यहाँ पे तो बैग था, वो कहाँ गया? अबे सैंडी मत लगा। मैं धंधे की कसम बोलता हूँ, मैं तो बैग लाया था। डाला माल खींच के सियाड़ बत्ती दिखाता है क्या?
परी आसमान से आई है, अपना नाइफ बना कर गई। कितनी सिंपल है ना, परी होके नाइटी में। वाह ऊपर वाले वाह, तेरा जवाब नहीं। वाह 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 ऊपर वाले, एक आध और भेज दे। तो पूछने का भाई साहब, ओ भाई साहब क्या है? कुछ नहीं, आपने यहाँ से मेरी पत्नी को गुजरते हुए तो नहीं देखा? नहीं साहब, मैं सो रहा था। शर्म नहीं आती ड्यूटी पे सोते हुए? आपको शर्म नहीं आती दीदी को खोते हुए? टीवी के फिल्म बेस्ड प्रोग्राम के एंकर की तरह बदतमीज है। क्या बोला तुमने? क्या बोला? नहीं 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 प्रशांत जी एक मिनट, झगड़ा नहीं करने का जी। हम कोई फिल्म पार्टी में थोड़ी जो झगड़ा करेंगे। वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड को मारेगा ना तो हत्थकड़ी लगता। चलने का, चलने का। कसम सारे भाई साहब आपका नींद डिस्टर्ब किया, आराम से सोना। भाभी भाई साहब दिख रहे हैं? सर बोलो ना सर। आपने यहाँ से किसी नारी से जाते हुए तो नहीं देखा? अरे घर में जाके सो जाओ, मेरा साहिबा राउंड पे निकली है, अंदर कर देगी। जाता जी जाता। चलो चलो चलो। नहीं नहीं सर। भाभी तुम किधर गया था जी? हम तुमको गली गली कौन है ढूंढ रहे थे। कल्पना जी उठिए ना, प्लीज उठिए। भाभी उठो। कल्पना उठो, कल्पना 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 कहाँ चली गई थी तुम? तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मुझे टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू को कुछ नहीं हुआ, टप्पू ठीक है, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी ये तो बताओ। कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहाँ सो रही थी। तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं, सच सच बताओ कहाँ अपने पाँव काले करके आई हो तुम? अरे कल्पना प्रशांत जी से रूट के दूर ही चला गया था, डब्बू का ममता तुमको खींच के वापस ला रहे। अरे बेटा मैं कहीं नहीं गई थी, सब लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे भी एक सपना आया था। हाँ सपने में मैं उड़ रही थी। हाँ और सपने में दो चोर थे, उनसे मैंने पैसे छीन लिए और गरीबों में बांट दिए। शैन जी हाँ हुआ हुआ, यार तुम मजाक में फॉलो में वर्क। क्या बात है टीवी, जल्दी बोलो ना। शैन जी मालूम हमको क्या डर लगता है? क्या? भाभी को नींद में चलने का बीमारी हो गया। नींद कैसे हो सकता है, हम जब टहलने निकलते तो वो कहती रहती टैक्सी पकड़ो टैक्सी पकड़ो, और अब वो नींद में चलेगी? वो नींद में चलते हैं इसीलिए तो उनको कुछ याद नहीं रहता। कोई कैसे नींद में चल सकता है भाई? शायद जी बात मानो, साउथ में एक बार एक लड़का, उसको नींद में चलने का बीमारी हुआ। एक बार वो नींद में चलते चलते मद्रास का स्टूडियो में पहुंच गया, छत पे चढ़ा, छत से नीचे पाइप से उतर रहा था, इतने में डायरेक्टर ने उसको देखा, मालूम अपना फिल्म में चांस दिया, आज वो साउथ फिल्म का सुपरस्टार है। हां समझ गया रजनीकांत। नहीं वो नहीं जी, पर मालूम आज भी उसको क्या प्रॉब्लम? क्या? वो जब भी एक्टिंग करता है तो स्लीपिंग पिल खा के एक्टिंग करना पड़ता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कल्पना अब नीलकमल हो चुकी है, उसको नींद में टहलने की आदत पड़ गई है। ओह माय गॉड वेरी डेंजरस, कुछ करना पड़ेगा। प्रशांत जी तो कुछ भी नहीं है, पता है मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ? क्या? अरे वो नींद में चलते 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 एयरपोर्ट पहुंच गई पासपोर्ट लेकर, वहां जाकर उसने टिकट निकाला, अरे अमेरिका पहुंच गई, वहां जाके सेटल भी हो गए।
के दो बच्चे भी हो गए लेकिन वो अभी तक सो रही है। वेरी डेंजरस। अरे जरा सोचो कल्पना, ऐसे टहलते हुए कि निकल जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, या उससे भी बुरा वो किसी मर्द के साथ शादी कर ले तो मेरा क्या होगा? कुछ करो करना। कुछ नहीं जी, प्रशांत जी भाभी पे कल से नजर रखना पड़ेगा। अरे मैं तो 24 घंटे उस पे नजर रखता हूँ। भाभी सोता ना हम सबको जागना पड़ेगा। सॉरी, टाइम टू टाइम तुम्हारा बेडरूम में पीप करेगा। यू पी डोंट माइंड पीपिंग टॉम तो सुना था, पीपिंग टीवी भी देख लेंगे। जरूरत का बात है ना प्रशांत जी। प्रशांत कल्पना, ये क्या तुमने सर मुड़वा लिया? अरे प्रशांत जी आंखें खोलो, हम कल्पना नहीं जी, हम टीवी पिल रही। टीवी? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? या फिर मैं भी कल्पना की तरह नींद में चलता हुआ तुम्हारे घर में घुस गया? नहीं, तुम अपना ही घर में, अपना ही बेडरूम में। अच्छा मालूम, तुमको सोता हुआ छोड़ के कल्पना भाभी आज फिर नाइट वॉक के लिए गया। ओह माय गॉड। कल्पना 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 अयो, ये नींद में भाभी झाड़ पे भी चढ़ता क्या? पेड़ पे क्या देख रहे हो? हम तो तुम्हारा नकल करते थे। चलो चलो अभी तो इधर थी, ये सडनली वो कौन सी हो गया? प्रशांत जी, रात में सोते समय कल्पना का हाथ अपने हाथ से ऐसा बांध के सोना। अरे क्या बात करती हो, फिर तो अपने साथ साथ नींद में मुझे भी चलाएगी वो। ये मजाक कर रहे हो जी? भाभी को ढूंढो, हम भाभी को बहुत मिस करने लगा जी। भाभी भाभी कल्पना 15/7 आज गुलाबगढ़ की रानी चंद्रिका को हमारे सामने पेश किया जाए। हम राणा विक्रम सिंह की शिकस्त का बदला लेंगे। कहाँ है चंद्रिका? कहाँ है चंद्रिका? चंद्रिका को लाओ। यहाँ हूँ। आप? हाँ मैं। कहो क्या कहना है आर्य पुत्र? मैं राणा विक्रम सिंह की शिकस्त का बदला लूंगा, तुम्हारा वस्त्र हनन करूंगा, तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। कपड़े उतारो इसके, साड़ी उतारो इसकी। प्रॉब्लम, इन्होंने साड़ी तो पहन ही रखी। क्योंकि मैं कोई द्रौपदी नहीं हूँ। हाथ मत लगाना मुझे, मैं कोई लाचार बेबस अवला नारी नहीं हूँ कि मुझे जुए के दांव पे लगा सको। दांव तो विक्रम सिंह ने लगाया था, मैं उसके राज्य को तहस नहस करके रखूंगा। ये अधर्म है। कौन बोला ये? मैं इस राज्य का नरेश, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस अधर्म को रोक दो इस अधर्म को। धर्म की बातें हमें सिखाते हो? सुना है तुम्हारी 100 रानियां हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? जानते नहीं ये गुनाह है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं शायद तुमने। मेरे अंदर आक्रोश का लावा उबल रहा है, मेरे अंदर की अग्नि दहक दहक कर मेरी पसलियों को चला रही है। चंद्रिका अभी भी मान जा, नहीं तो यह हाथ उठ भी सकता है। हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अंधे है। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूँ। चंद्रिका मैं तुझे दासी बनाऊंगा। दासी? भूल गए, आई एम फ्रॉम झांसी। हाथ मत लगाना ठाकुर। क्या हो रहा है?
अरे कहा तो मैं अंधा हूँ। हाँ मैं आ गया हूँ कल चंद्रिका। तुम कौन हो? मैं विराटगढ़ के सेनापति का भतीजा हूँ, चक्रमादित्य। वेल डन माय गर्ल। ये नया कैरेक्टर कौन आ गया? अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू यार। ये कहाँ चला गया? अयो हम भी आ गया। गुड, तलवार चला दूं बॉस। नहीं 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 नहीं, ज्यादा भी दो यार। मुझको इस सीरियल में से निकलवाने के लिए तुमने इसको यहाँ बुलाया है ना? अरे भाई इतना बढ़िया करेक्टर, मुझे 45 मिनट का एपिसोड भेजना है कल टेलीकास्ट से। तुम इम्प्रोवाइज करो ना, इम्प्रोवाइज करो उसके साथ। कौन है? प्रतिहारी, बाहर निकालो इस दुष्ट को। दुष्ट को कहाँ है? हम लॉर्ड पिल्लई है, कजिन का बदली में आया है। चल रही थी। बुरी हिंदी फिल्म हिंदुस्तान में चल सकती है, लेकिन मैं नींद में नहीं चल सकती। प्रशांत जी, प्रशांत जी, हो गया। क्या हुआ भाई? गजब हो गया, हमारा टीवी नींद में चलते चलते बाहर निकल गया। टीवी नींद में चला? क्या बात कर रही हैं आप? और पता है उन्होंने चश्मा तक नहीं पहना है। ओह माय गॉड, वेरी डेंजरस, हो सकता है वो किसी को ठोक देगा।